अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई ख़ास मकसद ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज मैं ख़ास एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ कि मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट में आ चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। पहली बार ऐसा नज़ारा देख के बहुत अच्छा लगा। दुआ करें इंशाल्लाह प्लेन में उड़ने की एक बड़ी आस है और इंशाल्लाह बहुत से जल्द प्लेन में जाऊँगा। और यहाँ का नज़ारा माशाल्लाह देखिए, बहुत सी प्यारा बहुत सुंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी लीकेज हो है, ये देखिए माशाल्लाह। और टाइमिंग ऐसा लग रहा है कि अभी के 8:30 बज रहे भाई। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि रात के 3:30 बज रहे, 3:30 बज रहे बोले तो बेंगलुरु से एयरपोर्ट 45 किलोमीटर है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3:30 बजे रात में आए हम, तो हमारे कदीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना रात में यू नो चलो भाई एयरपोर्ट भी देखेंगे। ऐसा ही हमारे पास में भी एक होटल है शाही दरबार बोल के, माशाल्लाह उधर का खाना भी हम खा लिए, बहुत से लज्जेदार खाना है। ये तो क्या बोलो मैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दो रात से हमारे को फिरा रहे हैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह, रात में 3 बजे 4 बजे उनके जो भी है भाई, हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बाबा भाई भी यहाँ जो हैं। तो बाबा भाई कैसा लग रहा है तुम्हारा बेंगलुरु का एयरपोर्ट? एक नंबर है बेंगलुरु का एयरपोर्ट। इंशाल्लाह एक ना एक दिन उड़ेंगे हमें भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे सपोर्टिंग। तो भाई पीछे का भी नज़ारा देखिए माशाल्लाह, ये क्या बोलते हैं भाई, ये देखिए बहुत से प्यारा सा नज़ारा लग रहा है एयरपोर्ट। वही क्या भी बोले ऐसा नहीं, बहुत क्यों बोले तो आज का एक खुशी का भी दिन है कि बहुत ही से अच्छा नज़ारा लग रहा है। और पहली बार मैं एयरपोर्ट में भी आ चुका हूँ, तो हमारे उमर भाई का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उनके तरफ से मैं बेंगलुरु भी आया। और ख़ास करके हम बेंगलुरु को फिरने के लिए नहीं आए थे भाई, ऐसा मत समझिए, एक ज़रूरी काम था, मैं उसके लिए आए थे। एक हमारे छोटे भाई को दिखाने के लिए बेंगलुरु आए थे और हमारा डेट 1-2 दिन एक्स्ट्रा पड़ गया था, उसके लिए खाना खा के रूम में सुबह से सो गए थे। तो हमारे एयरपोर्ट फिर कहेंगे बोल के, एयरपोर्ट से पहले ही उनका धाबा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लज्जेदार भी खाना है और जूस भी नंबर वन है। क्या बोले ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंदिनी है, नंदिनी बोले तो वो नंदिनी नहीं, नंदिनी दूध है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे कि तुम ना लोकेशन दिखाता हूँ, ये है मेरा भाई, ये इसके लिए तो हम बेंगलुरु के आए थे माशाल्लाह, मैं इसके तरफ से चार्ज एयरपोर्ट वगैरह भी देख रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई बिलाल, और बिलाल नागनम वो तो हमारे टीम का खास मेंबर। और खास करके नज़ारा कैसा लग रहा है बिलाल, नज़ारा कैसा लग रहा है? अच्छा है। और क्या कितने बार पहले आया, पहली बार आया क्या, इसके पहले आए थे? पहली बार है तो भैया बेंगलुरु को मैं, इंशाल्लाह एक ना एक दिन प्लेन में उड़ने का है। उड़ने का दुबई इंशाल्लाह। हाँ भाई बेंगलुरु का लिखा है एयरपोर्ट में, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो नज़ारा देखिए, ये देखिए नज़ारा माशाल्लाह, बहुत सब प्यारा सा नज़ारा है। मेरा भाई फोटो काटना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लॉग यही मैं बंद करता हूँ। तो आपका ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जब तक जुड़े रहिए और जब तक हमारे साथ देते रहिए। और नेक्स्ट मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ब्लॉग बनाऊँ के दिखाऊँगा। जब तक जुड़े रहिए, अल्लाह हाफिज़।